तरफ से एक सर्विस किए हैं कि फोन नंबर आ रहा होगा, समझ रहे हैं, फोन नंबर आ रहा होगा। वो नंबर किस लिए है कि कोई भी भाई वीजा चेक करवाना चाहता है, ऑफर लेटर चेक करवाना चाहता है, टिकट चेक करवाना चाहता है, जो वैकेंसी है वो चेक करवाना चाहता है, कंपनी चेक करवाना चाहता है कैसा नहीं, तो इस नंबर पर फोन करके चेक करवा सकता है। इसमें वैकेंसी वगैरह नहीं बताया जाएगी, नहीं भैया इसमें वैकेंसी है हमें ये करना। आपको कोई भी ऑफिस वाला अगर ऑफर लेटर दिया है, टिकट दिया है, वीजा दिया है, समझ रहे हैं, कोई भी चीज़ दिया है, आप उस पर चेक करवा सकते हैं, फ्री तो एकदम नहीं भैया। कभी कभी जो इंसान होता है वो गलतियों से भी सीखता है, सीखता है कि नहीं सीखता है? सीखता है, सही। हम चल रहे हैं, रास्ते में गड्ढा है, हम गिर गए, तो अगर हम इंसान है तो जो भी है बताएंगे भाई वो रास्ता टूटा, उस रास्ते से मत जाना, मत जाना, सही है। विदेश जाने के लिए कितने साल से आप ट्राई कर रहे हैं? अरे कम से कम कुछ नहीं तो 3 साल से, 3 साल से कर रहे हैं जी, ट्राई कर रहे हैं। काम कितना पैसा आपका नुकसान गया? अरे कम, लूटे लोग कितना आपसे होंगे? अरे कम से कम 1,20,000 रुपया हमारा सिर्फ पानी में गया है, 1,20,000। मेडिकल छोड़ के, मेडिकल छोड़ के, हाँ मेडिकल छोड़ के, वो पैसा नहीं है। अरे क्यों नहीं, वो भी तो पैसा ही है ना। अभी क्या, अभी जल्दी जो है कि अभी हम लोग जो है कि इसमें 5 महीना जो लटका के रखे थे नेशनल वाले, बता रहे हैं कि कुवैत का इंटरव्यू मारे थे 30 तारीख को, अभी ये 2022 चल रहा है, सीधा साल भर मान के चल चलिए, ये इसमें भी 6 महीना चलिए गया है। और अभी जो आप बता रहे थे जो ये चंदन यादव वाला है, ये तो बड़ी ढेर दिन से झेला के रखे थे सर। कैसे, क्या कैसे वो लोग फंसाते थे आपको? ये टेम्पू पे जो है कि पर्ची जो है, अच्छा टेम्पू पर्ची से प्रचार करवाते, हाँ अच्छा। पर्ची से प्रचार करवाते थे, और जो है कि ये जो है पर्ची जैसे कि बांट के चले गए, हम उठा लिए पढ़े, अरे भाई अच्छी सैलरी है, इतना दे रहा है। सैलरी कितना है? सैलरी उसमें 2,000 दिरहम था दुबई का। मैं सुनिए, मैं ध्यान से बता रहा हूँ, आप लोग कोई भी रिक्वायरमेंट देखते हैं जिसमें सैलरी बहुत ज़्यादा हो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि 99% वो फर्जीवाड़ा ही होगा। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? हाँ, उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, एक लेबर है, लेबर की तैयारी चल रही है 400, अगर हम बोलते हैं नहीं लेबर को मैं दूंगा 1,000, इसका मतलब क्या हुआ भाई? जब 400 में लेबर मिल रहा है तो मैं पागल नहीं ना हूँ कि 1,000 दूंगा, कि मैं पागल हूँ? लेकिन हमारे भोले भाई, भोले जो है, देखिए भोले बन के एक लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं नहीं देख रहे, और लोग देख रहे हैं, वो लोग सोचते हैं अरे साला सद्दाम के पास गए थे, यहाँ गए थे, इतना कम तनखा, एम में इतना ज्यादा, हाँ अपने तो गए किए 2-4 लोग और लेके गए, सही लोग लेके गए थे, अरे 9 आदमी थे हम लोग, अपन ये लेके चले गए, हाँ पर्ची आप पाए, हाँ 9 लोग और लपेट लेते, चलो वहाँ पे सैलरी जाते हैं, हाँ ज्यादा है 9 लोग। उसके बाद क्या खेला हुआ? उसके बाद से पर्ची उची बाटा, हम लोग गए फोन करके, आया वहाँ पे गगहा के हैं, गगहा पे आए, गाड़ी बैठा के लेके गए, अपने घर पे गए, ऑफिस वगैरह कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा आंकड़ा बाकड़ा लगाए थे, तो लगा के कुल बातचीत हुआ, तो बोले कि भाई वीजा इतने दिन में आ जाएगा, तो पासपोर्ट रख लिया, पासपोर्ट रखने के बाद बोला है कि 15 दिन में आपको पता चल जाएगा, ऑफर लेटर मिल जाएगा, ऑफर लेटर जो है कि दिया तो बुला करके गगहा में दिया, वो भी साला फर्जी था, हाँ फर्जी था। फिर बाद में वीजा एक कंप्यूटर से बना के वो भी भेजा, वो भी फर्जी था। कितना पैसा आपने दिया? 9 लोग थे, 56,000 रुपया दिए। 9 लोगों से? 9 लोगों से। कैश दिए कि अकाउंट में ट्रांसफर किया? मोबाइल में स्लिप होगा मेरे, 56,000 रुपया। 56,000 9 लोग का मतलब समझ नहीं कितना हो गया, 4.5-5 लाख रुपया हो गया। बताइए, हम अपने तरफ से एक सर्विस किए हैं कि फ़ोन नंबर आ रहा होगा, समझ रहे हैं, फ़ोन नंबर आ रहा होगा, वो नंबर किस लिए है कि कोई भी भाई वीजा चेक करवाना चाहता है, ऑफर लेटर चेक करवाना चाहता है, टिकट चेक करवाना चाहता है, जो वैकेंसी है वो चेक करवाना चाहता है, कंपनी चेक करवाना चाहता है कैसा नहीं, तो इस नंबर पर फ़ोन करके चेक करवा सकता है। इसमें वैकेंसी वगैरह नहीं बताया जाएगी, नहीं भैया इसमें वैकेंसी है हमें ये करना। आपको कोई भी ऑफिस वाला अगर ऑफर लेटर दिया है, टिकट दिया है, वीजा दिया है, समझ रहे हैं, कोई भी चीज़ दिया है, आप उस पर चेक करवा सकते हैं, फ्री तो एकदम नहीं भैया। 500 रुपये कीमत है, क्योंकि मैं भी स्टाफ रखा हूँ, समझ रहा हूँ, स्लिप है, इंडिगो का जो भी है, टिकट बताइए, अगर आपको मालूम चल जाता, एक बात बताइए, 56,000 तो आप गवा चुके, अगर 500 रुपये दे के मालूम चल जाता है कि ऑफर लेटर वीजा फर्जी है, तो क्या उसको 56,000 देते? नहीं देते अपने पास, हम फर्जी होता तो मैं 1 रुपया नहीं देता, पता चल जाता पहले ही से। तो हमारा ऑफिस एक ऐसा है जो ये लाया है कि आप बस एक फ़ोन करिए,
फोन करके आप बात करिए, अपना डॉक्यूमेंट भेजिए, 500 में आपको चेक करके बताया जा रहा है, वो भी डंके की चोट पे। अगर फर्जी है तो कोई माइक लाल असली नहीं कर सकता है, और अगर हम बोलेंगे असली तो कोई फर्जी भी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, सही बात है। हाँ, लेकिन बहुत से बुद्धिमान लोग हैं, समझ रहे हैं ना, 56,000 रुपया डूब जाए कोई बात नहीं, लेकिन 500 रुपये दे के चेक नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे भाई। लोग मजाक बनाते हैं, अरे सद्दाम भी बताइए 500 रुपये, लोग मजाक बनाते हैं, सद्दाम भाई 500 रुपया मांग रहे हैं, आप भी लूट रहे हैं क्या भाई, हक का मांग रहे हैं 500 रुपये। स्टाफ रखे, स्टाफ विदेश में फोन करता है, गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, जो कंपनी का डिटेल लेगा वो कंपनी का डिटेल निकाल के फोन करता है, यू हैव एनी रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट, आई रिसीव योर ऑफर लेटर योर कंपनी, कंपनी वाला डायरेक्ट बोलता है कि नहीं भाई हमारे यहाँ तो वैकेंसी है नहीं, ऑफर लेटर गलती है, फिर बताया जाता है कि नहीं भाई ये फर्जी है। तो 500 रुपये क्या कोई गलत मांगा जा रहा है, इतनी महंगाई की जमाना है, कोई फिल्म काम कैसे कर सकता है, नहीं कर रहा, अरे हर जगह जगह पे पैसा लगता है। माने सोचिए एक मैंने जो निकाला है, अगर लोग हमारे रास्ते पे बताए हुए चले तो एक भी इंसान फंसेगा नहीं, समझ रहे नहीं, वो 3500, 4000, 5000 मेडिकल में फालतू खर्चा कर देता ऑफर लेटर देख के, कमीशन चला गया ऑफिस वाले के पास, लेकिन 500 रुपये दे के ये नहीं चेक करवाएगा कि ऑफर लेटर फर्जी है कि नहीं है, क्यों, उनके दिमाग में सपना चलता है, अरे इतनी कितना रियाल तनखैया बताया था, 2000 दरहम 8 घंटे का सिक्योरिटी गार्ड में, बताइए उसी में कर रहा था काम हो जाएगा भाई, जब काम करवाना नहीं है तो भाई कौआ उड़े की लेटिव सब उड़े, लेकिन ऐसे ही किए, आज जेल में है, क्या क्या उसका बिगड़ गया, जेल में है क्या बिगड़ गया बताइए ना, उसका तो आदत है, खराब आदमी जेल से जो है छूट जाएगा, फिर 42 पासपोर्ट जो है कि जब 42 पासपोर्ट था, आपका जो नुकसान हुआ है जेल में वो है ठीक है, वो नुकसान भरपाई हो सकता है, बताइए ना, आप ही का नहीं, हजारों लोगों का पैसा लिया होगा, जिंदगी बर्बाद किया होगा जेल में, तो क्या वो वापिस आ जाएगा आप लोग का टाइम पैसा, कुछ नहीं वापस हो पाएगा, अब इसके लिए अब जो है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसके पीछे परेशान रहिए, परेशान अपना काम छोड़ दीजिए, एक तो हम पैसा दिए हैं, एक तो पैसा दिए, ऊपर से जो है मुकदमा भी लिखवाए, ऊपर से उसके पीछे पीछे परेशान रहिए, उसके बाद जब तारीखवा पड़ेगा तब भी आपको भी टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, सवाल जवाब करना पड़ेगा, नहीं साहब दिए, गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बताइए तो क्यों इतना बड़ा नुकसान क्यों आप लेंगे, जब 500 रुपये आपको मालूम चल जा रहा है असली है कि नकली है, तो अरे बहुत बेहतर है 500 रुपया में अगर वीजा, और तो आपको पहले नहीं मालूम था कि हमारे ऑफिस में ये है, हमारे तो पहले ही जो है जी ऐसा है कि जब इनसे हम सबको ले दे लिए थे तो बाद में ऑफर लेटर चेक करने वाला और ये सब आपको बाद में मालूम चला, बाद में मालूम चला हमको, नहीं तो हम चेक करवा लिए होते 500 रुपया, सोचे 56,000 दे दिए हैं, लेकिन उसके पैसा देने के बाद भी चेक करवाते तभी आपको नकली मालूम चल जाता, मालूम चल जाता, फिर धीरे धीरे प्यार से भैया दे दीजिए करके आदमी ले लेता पैसा अपना, लेकिन उस समय आप ये सिस्टम नहीं था आपका, ये आप लेटर चेक करवाइए 500 रुपये दे दीजिए, उस समय नहीं पता चला था। आप एक तरह से इतना 3 साल से मेहनत किए हैं, बहुत से तरीका सीख गए हैं, समझ रहे हैं नहीं, बहुत से चीज़ें आप सीख गए हैं कि फर्जी ऑफिस को कैसे पहचानना है या कैसे गलत करना है, कुछ इन लोगों को बताना चाहते हैं क्योंकि ये लोग सीखेंगे, जब आप बताएंगे इस रास्ते से गए थे, अब जगह टेम्पू वाला बता दिए, हाँ कि लिस्ट एक कागज गिरा था उठा लिए, आपके चक्कर में 8 लोग और सबसे चला गया, अभी फेसबुक में अभी जल्दी जो है कि फेसबुक में जो कि रिकॉर्डमेंट डाले थे हमारे दोस्त लोग थे, देखे गए वहाँ पे क्या बोलते हैं पंजाब वंजाब हरियाणा हरियाणा के साइड के, वहाँ गए उन लोगों को चुतिया बना दिया, बाद में उन लोगों को चला कि ये सही नहीं है, ये तो अच्छा हुआ कि वो लोग बच गए, लेकिन एक पर्ची वाला जो है हमारा चला गया, अब इसमें दौड़ रहे हैं हम लोग, हम तो 3 साल से बड़ी परेशान है, लेकिन कॉर्पोरेट ग्रुप के पास एक बार मैं आया था तो आप नहीं थे सद्दाम भाई, नहीं तो वरना मेरा काम हो जाता। देखिए मैं देखिए एक चीज़ और है, हमारा ऑफिस कोई गारंटी नहीं लेता है कि आपका वीज़ा लगवा के, हम साफ बोलता हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा, कोई आपके अंदर हुनर रहेगा, आप इंटरव्यू पास करेंगे, कंपनी आपको पास करेगी तब जाके आपका वीज़ा लेगा, गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा, इसमें ये नहीं है कि जो मर्जी वो आए ऐसे डॉक्यूमेंट दिया ऐसे वीज़ा लेके चले जाओ, ना 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 भाई साहब, ऐसे लोग बहुत होंगे जो गारंटी लेते होंगे हम वीज़ा दे रहे हैं, हमारा ऑफिस कोई गारंटी नहीं देता है, क्योंकि जब इंसान के ज़िंदगी का गारंटी नहीं है तो वीज़ा गारंटी है, यहाँ से आप मऊ से आए हैं बता रहे हैं, बाइक चलाते हुए मऊ से आ रहे हैं, इतनी गर्मी में दरगाह यहाँ से वापिस जो है जाएंगे, कोई गारंटी ऐसा ही सामान चले जाएंगे, अरे भाई अब जो गारंटी लेता हो वो भी झूठ बोल रहा है, गलत कह रहा है, वो अपना खुद का गारंटी नहीं ले पाएगा, नहीं, दूसरे का गारंटी कैसे ले सकता है यार, नहीं सही है, हाँ सही है,
यही है सच बात बोलने पे लोग बुरा भला कहते हैं कि सदा मैं क्या से क्या आप बोल जाते हैं, जो सच है वही बोलेंगे। और सच डरता कौन है, जो झूठा है, जो चोर है, सही बात है, वही डरेगा। जो ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रहा है, वो कभी भी नहीं डरेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। गलत करें सही करें, सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते हैं, लास्ट में सच्चाई ही जीतेगा। जी सही बात है। तो कुछ दर्शकों से बताना चाहेंगे कि कैसे लोगों से बच के रहे? अरे अब इसमें जो है कि वो खुद ही पता चल जाएगा, जब कहेंगे कि आइए मैं करवा देता हूँ, इतना सैलरी है, उतना सैलरी है, तो आप लोग भाई साहब इनसे आप बच के रहिएगा। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि परफेक्ट गुरु के अलावा और कोई बढ़िया ऑफिस हो सकता है, कोई कोई है बम्बई में है, लाइसेंसी ऑफिस वाले हैं, लेकिन कोई चानस से कोई अच्छी जगह पहुँच जाता है तो चला जाता है, ऐसे तमाम ऑफिस हैं। लेकिन इधर जो सिंघड़िया के अंदर में हैं और जो बहुत से लोग ऐसी जगह हैं, वो सही लोग नहीं है। ये ऐसे डेट बोल देंगे 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीने में रेडी हो जाइए, अब वीजा का पते नहीं है, आप पैसा पहले ही ले लेते हैं पहले। हाँ, पासपोर्ट जमा कीजिए, सिक्योरिटी चार्ज जमा कीजिए, पासपोर्ट जमा कीजिए। ये तो गलत है ना, बताइए आप सब्जी खरीदने जाइए 10 रुपये का, 10 रुपये का मिर्ची खरीदने चाहिए तो उसको 10 रुपये देने से पहले तो मिर्ची बाग छाटेंगे, कोई सोलर लाइन खराब लाइन गलत कर रहे हो सही कह रहा हूँ। लेकिन अब बताइए 56,000 आपने दे दिया, चेक किया नहीं चेक किया? ब्याज गिरा के मैं दिया हूं। अभी तक ब्याज भर ब्याज कितना परसेंट? 10 रुपया सैकड़े के हिसाब से दिया हूं मैं, अभी तक ब्याज भर रहे हैं। नहीं गलती है, गलती ये है कि 10 रुपये की जब हम सब्जी खरीदते हैं तो 10 बार चेक करते हैं, गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि सड़ा नहीं है, खराब नहीं है, फिर 10 रुपये लेके हम आते हैं और किसी को 40,000, किसी को 50,000, किसी को 1-1 लाख दे दे रहे हैं और अपने साथ साथ अपने नाथ दीदा सबको दिलवा भी दे रहे हैं, गलत कर सही कह रहा हूँ। लेकिन चेक करने की हमारी हिम्मत नहीं है कि इसको भी लाओ एक बार चेक करें, खून पसीने की कमाई है, ब्याज का पैसा दे रहा हूँ, गलत कर सही कह रहा हूँ। तो गलती किसमें है? देखा जाए तो गलती भाई आप लोगों में है, हमारे में है कि हम जब सिंपल सी बात है, आप इस समय जो है मेहनत मजदूरी करेंगे 400 रुपये कमाएंगे ठीक है। अगर आप झूठ बोल के एक दिन में 30,000 कमा ले रहे हैं तो आप क्यों मेहनत करेंगे ये बताइए। अगले एक बार जो है एक आदमी को फंसाया, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि जो विदेश जाने वाले लोग हैं उनको जो गलत काम करते हैं उनको मुर्गा समझते हैं, मछली समझते हैं। जैसे मछली पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, पहले चारा फेंका जाता है, जब तक चारा आप खाओगे नहीं तब तक वो बैठ के आपका इंतजार करेगा, चारा खाओ फिर बच नहीं पाओगे। तो जो चारा क्या है, जो हम लोग ज़्यादा सैलरी बताते हैं, दूसरा सर्विस चार्ज बहुत कम बता देंगे, 10,000-20,000 में चल जाएगा, कैसे जाओगे यार 10-15 जगह टिकट नहीं मिलेगा, गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आदमी वही चारा खा लेता है ज्यादा, जैसे आपको क्या है, अगर वही सैलरी 800 रियाल रहता था फोन करते नहीं, कहते कि बड़ी काम है यार, 800 रुपया है, क्या कमाएंगे क्या खाएंगे, 2,000 फोन कर दिए चारा खा लिए आप, सही है, आपके साथ 2-4-10 लोग और चारा खा लिए, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। तो पहले अपने आप को जो है बहुत ही होनेस्ट करिए और रियल में देखिए, जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। यह सपना छोड़ दीजिए कि कोई ऑफिस वाला है, कोई भी वाला आपको लखपति करोड़पति एक बैग बना देगा, नहीं, जो आपके पास रखा है वो ले लेगा प्लस कर्जा अलग से चढ़वा देगा। नहीं सही, कर्जा में ही तो लेकर के दिए थे। कहाँ घर पर, मऊ में कहाँ घर पर, क्या नाम है आपका? सलमान हाशमी। सलमान हाशमी जी, घर कहाँ पड़ेगा मऊ में? जी दरगाह है, ग्रामपुर दरगाह, थाना मधुबन, थाना मधुबन पड़ेगा, मधुबन जी, वहीं से हम आए हैं। बताइए कहीं ना कहीं इंसान कुछ गलतियाँ होती हैं, समझ गलती तो मैं सबसे पहले मैं तो आपको यही देखिए सजेशन करूँगा, सबसे पहले अपने आप को टेंशन फ्री करिए, जो हुआ हुआ, सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए, मुकदमा हो गया छोड़िए, अब उसे अब मेहनत करना शुरू करिए, गलत कहना सही कह रहा। बहुत से साथी ये भी कहते हैं कि किसी ऑफिस में पासपोर्ट लगा दिया, घर बैठ के इंतजार कर रहे हैं, अब भी जाएगा, वो भी गलती कर रहे हैं, गलती करता है, सही बात है। आप लगाइए जो मर्जी हो करिए, लेकिन आप काम करिए, ये नहीं कि 10 रुपये के लिए अपने अब्बा के पास अम्मा के पास हाथ पैसा रहे कि 10 रुपये दीजिए हमको जाना है, ये गुटखा खाना है, चाहे तेल के लिए 100 रुपया दीजिए। कर रहा था मैं भी यही काम कर रहा था, लगा देते थे आराम से बैठते थे, अब भाई कहीं से कुछ हो रहा है, देखते देखते आदमी मेंटली प्रेशर हो जाएगी, ज़्यादा सोचेगा इनस फट जाएगी, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? एक तो इतनी महंगाई की जमाना है, ऊपर से आप घर बैठ के कैसे खा सकते हो, अभी इस उम्र में, यही तो उम्र है कुछ करने का, बुढ़ोती में क्या करवा, बुढ़ोती में क्या करा जी, घर खटिया भी जी सूझ जाए जी,
यही तो उम्र कुछ कहने के, ये नहीं कि डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ जमा कर दे घर में बैठ जाए, आपको काम करना है। विदेश में भी रहेंगे तभी काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा, और यहाँ पर भी जब आप काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा। तो ये मत सोचिए कि हम नवाब हैं विदेश में जाके काम करेंगे, यहाँ पर भी काम आपको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं, काम यहाँ पर करते रहो भाई, इतनी महंगाई की जमाना है। तो आप काम कल से शुरू कर रहे हैं कोई काम? तो हम देखिए सैलून का काम करते हैं, हमारा दुकान खुद का है। तब कायदे भी चक्कर में परेशान हो? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है ना कि थोड़ा आदमी का एक बार मैं शुरू से ही बाहर रह चुका हूं। ये भी गलत है, अगर बिजनेस आपके यहाँ पे सही चल रहा है दबा के चलाइए जाने। नहीं उतना कोनो खास नहीं, लेकिन ये कि हम लोगों तो लाइन पे मतलब लाइन लगाना पड़ता है, हम लोग को भी बाहर एक इंसान को बाल दाढ़ी कटवाना है, कटवाना ही नहीं कटवाना, हम लोग को लाइन लगवाना पड़ता है। लाइन वो भी कितने देर का, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे नहीं लगता, लाइन नंबर लगता है भाई साहब। आपके यहाँ भी नंबर लगाना पड़ता है? बताइए, इतने बड़े आदमी बैठे हैं कि लोग लाइन लगवा के आपसे काम करवा रहे हैं, लाइन लगवा के। लाइन तो बताइए, किराने दुकान पे कोई लाइन लगाएगा? 77 जगह तो है दुकान, लेकिन भाई कहीं कहीं लगती ही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप मेहनत करिए, जो भी कर रहे हैं काम उस पर दिल लगा के मेहनत करिए। ये नहीं कि कैची यहाँ चल रहा, दिमाग है सऊदी में, गलत करें तो पता चले इधर का भी काम खराब हो गया उधर का भी काम खराब हो गया। कहावत है दो नाव पे चढ़ना, वो करें आगे ऐसा आलन मत करिए जान लीजिए। नहीं नहीं सही, गलत करें सही करें, जो भी काम करिए एकदम दिल से करिए तभी कामयाबी मिलेगी जान लीजिए। कहीं ना कहीं जो ऊपर वाले करते हैं, आप सोचिए, अब मैं ही हूँ, मैं भी शुरू में जो है पढ़ाई लिखाई किया, बीटेक किया, सोचा विदेश में जाके इंजीनियर का काम करूंगा, विदेश गए हमका सैलरी तो फंस गए, हम सोचे थे हमको कुर्सी मिलेगी बैठी, तो साइड में जा के साला हालत ख़राब हो जा रहा, धूप इतना, समझ रहे हैं कि नहीं? चले आए फिर बाद में लगा नहीं बहुत हमारे साथ गलत हुआ। लोग ये भी समझते हैं कि विदेश में जाने का मतलब कि हर एक तरीके के मतलब सही मिलेगा, करना नहीं पड़ेगा, सूद के मिलेगा पैसा, ऐसा नहीं। यहाँ का पसीनवा कहाँ जाता है? नीचे जाएगा सीधे नीचे, बहुत मेहनत। जूता जो है भाई साहब पसीने से भर जाता है, यहाँ किसी भी को काम करते हुए देखेंगे जूते में कभी पानी पसीने का नहीं भरेगा। विदेश में भी भाई बहुत मेहनत करते हैं ना।